Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope कि सब अच्छे होंगे. तो students, MIS चैनल में आपका फिर से स्वागत है. और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Relation between beta and gamma function. This relation is most important for you. For the students of BE, BTech, BSs and other competitive examinations also. Okay, so students, इससे पहले मैं आपको beta, gamma function की definitions, concepts, properties, recurrence formulae for gamma function और कुछ most important questions मैं आपको already करवा चुका हूँ, जिसका link मैंने अपने YouTube channel के description box में already दिया हुआ है. तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल के लिंक पे क्लिक करके और प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन लेकर के आया हूं, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बहुत बार आ चुका है, मैनी टाइम्स. ओके, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. But before starting this relation, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे. मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं. आइए, टू शो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन, वेयर एम ग्रेटर देन जीरो, एन ग्रेटर देन जीरो. इस रिलेशन को हमने कैसे प्रूव करना है, ओके? और आज आप एक बहुत नई चीज सीखने वाले हैं, ओके? विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ बीटा एंड गामा फ्रॉम एक्सरसाइज. देखिए स्टूडेंट्स, सो नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. ओके, वी नो दैट for n greater than 0, okay, gamma n is equal to integration 0 to infinity x raised to power n minus 1 e raised to power minus x dx, the expense. Okay, तो ये जो relation है, ये हमारा किसका students, ये gamma का है, okay, because you know gamma n is equal to 0 to infinity x raised to power n minus 1 e raised to power minus x dx. ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहां पे देखिए, पुटिंग x इज इक्वल टू ए जेड इसके अंदर, ओके, सो दैट dx इज इक्वल टू ए डी जेड, ओके, देन वी हैव, देखिए स्टूडेंट्स, गामा m, गामा, this is your gamma n is equal to limit from 0 to infinity. देखिए students, जो limit है हमारी वो भी change हो जाएगी, कि हमने क्या put किया है, कि put x is equal to az when x is 0, z 0, when x is infinity, z is also infinity. Okay, तो limit हमारी same रहेगी यहाँ पे 0 to infinity, and your x is your x az, जो put किया मैंने az raised to power n minus 1 e raised to power minus az and dx is equal to a dz. देखिए students, ये, okay, कि हमने क्या put किया, I repeat again, ये मेरे पास gamma का formula था, gamma n is equal to, you know very well, putting x is equal to az in this relation of gamma n, so that dx is equal to a dz, we have this is equal to this, okay, and this also can be written as, देखिए students, now this is equal to, अब यहां से देखिए, गामा एन इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए रेस टू पावर एन माइनस वन जेड रेस टू पावर एन माइनस वन, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ओके, इनटू ई रेस टू पावर माइनस ए जेड ए इनटू डी जेड, ओके, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, लुक एट हियर, हियर बेस बेस इज सेम ऑफ ऑल, then this is equal to
limit 0 to infinity, okay, a raised to power n, take students, z raised to power n minus 1 and e raised to power minus az dz. Okay, so now, अब इसमें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की खासियत क्या है इस प्रूफ की कि यहाँ पे टू टाइम रिप्लेसिंग होगी. ओके, दो बार हम यहाँ रिप्लेस करेंगे कुछ वेरिएबल्स को. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट रिप्लेसिंग क्या है, देखिए मैं यहाँ नोट कीजिए प्लीज. रिप्लेसिंग, देखिए रिप्लेसिंग z बाय फर्स्ट ऑफ ऑल x. ओके, देन दिस इंटीग्रेशन बिकम, दिस इज इक्वल टू 0 to infinity a raised to power n z by x, x raised to power n minus 1 e raised to power minus a x dx. ये देखिए students, your first replacing. Okay, अब एक replacing वो होगी. Now replacing, ये ध्यान रखना student आपने कि यहाँ पे इस proof में दो replacing होंगी. First replacing क्या है, z by x, और second replacing क्या है कि a by z. देखिए, ओके, देन वी हैव, इसको रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास. चलिए स्टूडेंट्स, ओके, नाउ आफ्टर रिप्लेसिंग देन दिस बिकम, ओके, सो हियर गामा एन इज इक्वल टू, आफ्टर रिप्लेसिंग, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, ए बाय जेड मीन जेड रेज टू पावर n, x raised to power n minus 1 into e raised to power minus zx and dx. देखिए students, ये replacing. तो आपने यहां पर देखा कि दो replacing होगी. Replacing, first replacing is replacing z by x, ध्यान रखना आपने z by x, second is a by z. Okay, तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन. ओके स्टूडेंट्स, और इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर लेते हैं. जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन जेड रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस जेड एक्स इन टू डी एक्स. देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे राइट डाउन प्लीज, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ई रेज टू पावर माइनस जेड, राइट डाउन प्लीज, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ई रेज टू पावर माइनस जेड और जेड रेज टू पावर एम माइनस वन. वी हैव ई रेज टू पावर माइनस जेड एंड जेड रेज टू पावर एम माइनस वन. ओके, तो सिंस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए गामा एन इंटू e raised to power minus z, z raised to power m minus 1 is equal to, यहाँ देखिए, integration 0 to infinity x raised to power n minus 1 z raised to power n e raised to power minus z x into on both side e raised to power, तो मैं यहाँ पे देखिए e raised to power minus z और z raised to power m minus 1 into, देखिए students क्या है, dx dz. ओके, दोनों तरफ आपने किसे मल्टीप्लाई किया, हमने कि ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर माइनस, अभी इसको नहीं लेंगे हम, नॉट dz, dx ओनली, हमने सिर्फ क्या किया, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ई रेज टू पावर माइनस जेड, जेड रेज टू पावर एम माइनस वन ऑन बोथ साइड. देखिए स्टूडेंट्स, नॉट dz, ओनली dx. वो कंडीशन भी आएगी हमारे पास, वो मैं बताऊंगा आपको. देखिए तो स्टूडेंट्स, यस, हैव यू एनी डाउट एट दिस स्टेज. आई रिपीट अगेन, फर्स्ट इन दिस रिप्लेसिंग जेड बाई एक्स, आप याद रखें इसको. सेकेंड इज रिप्लेसिंग ए बाई जेड, दो रिप्लेसिंग होगी हमारे पास यहाँ पे. एंड मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई ई रेज टू पावर माइनस जेड, जेड रेज टू पावर एम माइनस वन. देन वी हैव ई रेज टू पावर माइनस जेड, जेड रेज टू पावर एम माइनस वन, ई रेज टू पावर जेड, जेड रेज टू पावर एम माइनस वन इन टू डी एक्स एज इट इज. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सा हम कंबाइन करते हैं, रिलेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या जाएगा आपके पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन. दिस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर
n minus 1. Okay. Here, this base is same. Z raised to power m plus n minus 1. Okay. And here, look at here. Dekhi students, yahan pe kya hai? E raised to power minus z 1 plus x. Dekhiye. Into dx. Okay. Iska base equal hai. Aur ye base equal hai. Dono ko humne add kar diya. Yahan pe. Okay. Now write down please. Integrating both sides with respect to z. Integrating both side with respect to z. Between the limit zero to infinity. So then we have, take students. Between the limit, तो देखिए कैसा हो जाएगा यहाँ पे. अगर मैं ये करूँ, देखिए यहाँ पे, between the limit 0 to infinity, तो देखिए students, gamma n integration 0 to infinity apply कर दीजिए दोनों तरफ with respect to z. अब यहाँ पे dz आ जाएगा. देखिए e raised to power minus z into z raised to power m minus 1 dz. ठीक है students. I repeat again, integrating both side with respect to z between the limit 0 to infinity with respect to z. Okay. And this is equal to same condition apply here. Integration 0 to infinity. Yahan pe bhi ho jayega. Ek to humare paas already hai students. Aur ek aur infinity. Dekhiye. Hai na? X raised to power n minus 1. Z raised to power m plus n minus 1. Into e raised to power minus z 1 plus x. Into dx dz. Dx students. Okay. Now, therefore, yes students, have you any problem in this relation? Abhi tak. Okay. No problem. Dx students. Kya majedar question hai aapke samne? Bilkul. Okay. Now, gamma n. Dx students. What is this? Dx. E raised to power माइनस जेड जेड रेस टू पावर एम माइनस वन. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दें गामा एम. देखिए दिस इज द फार्मूला ऑफ द गामा एम. ओके इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स अब इसको मैं जीरो टू इन्फिनिटी. ओके और जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन. देखिए अब इसको थोड़ा सा हम और कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहाँ पे. चलिए अभी मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ. z रेज टू पावर m प्लस n माइनस वन. ओके e रेज टू पावर माइनस z 1 प्लस x इंटू डी जेड डी एक्स. ओके तो अब जब ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसा हो जाएगा ये. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. ओके एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज. जेड की फॉर्म को मैं अलग कर लेता हूँ और एक्स को मैं अलग कर लेता हूँ. देखिए जेड रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स डी जेड इंटू डी एक्स. ऐसे लिखिए स्टूडेंट्स को ब्रेक कर दीजिए अब इस पार्ट को पूरा कंप्लीटली. देखिए है ना, तो अब यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो पुट दिस z1 प्लस x. देखिए z वेरिएबल मेरे पास ऑलरेडी है, x मेरे पास है, तो मैं इसको y पुट कर लेता हूं. देखिए नाउ पुटिंग z1 प्लस x को मैंने पुट किया फ्रेंड्स यहां पे y. ओके सो दैट देखिए अब यहां से कैसे हो जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू डी वाई बाय वन प्लस एक्स. ओके जेड वन प्लस एक्स शिफ्ट हेयर, तो डी जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स. डी जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वन प्लस एक्स. ओके और स्टूडेंट्स हमारी लिमिट कैसी होगी, देखिए कि वेन यहां पे वेन जेड इज जीरो y जीरो इन्फिनिटी इन्फिनिटी. ओके लिमिट सेम रहेगी हमारे पास यहाँ पे. तो जो कंडीशन है हमारी
वो किस में चेंज हो जाएगी, वाई में. लुक एट हियर, वेन जेड जीरो वाई जीरो, जेड इन्फिनिटी वाई इन्फिनिटी. तो देखिए ओके, मैं आपको ये लिमिट भी आपको देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो लिमिट हमारी हमेशा चेंज होती है. ओके बाद में फिर स्टूडेंट्स आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर ये तो हमने चेंज कर दिया था और फिर लिमिट कैसे हो गई चेंज ये. तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप इंटीग्रेशन में, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपकी लिमिट भी चेंज हो गई. ओके तो जब मैंने जेड वन प्लस एक्स को वाई पुट किया तो जेड इज जीरो वाई जीरो, जेड इज इन्फिनिटी वाई इन्फिनिटी. ओके तो नाउ गामा एम ओके एंड गामा एन ओके, इसको आगे पीछे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है. इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, देखिए स्टूडेंट्स और ये क्या हो गया इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी. एक मिनट, लुक एट हियर, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड लिमिट इज सेम. तो आपने क्या पुट किया स्टूडेंट्स यहाँ पे, जेड जेड वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई. तो एक्चुअल में देखिए क्या है यहाँ, जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस एक्स, यानी कि जेड क्या है आपके पास वाई अपॉन वन प्लस एक्स, ये है ना, यहाँ से जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस एक्स. तो मैं यहाँ जेड की जगह रिप्लेस कर देंगे वाई अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन माइनस वन, देखिए स्टूडेंट्स ओके. तो और यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, पुट करेंगे जब यहां पे एक्स टू पावर एन माइनस वन एज इट इज, और क्या वैल्यूज आ जाएगी वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू, यहां देखिए ई रेस टू पावर जेड माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स. देखिए स्टूडेंट्स दिस वन टू दिस वन कैंसल इंटू, यस व्हाट इज योर डी जेड, डी जेड इज यूअर डी वाई बाई वन प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज यहां से इन टू डी एक्स. देखिए स्टूडेंट्स ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी. ओके तो यहां से अब हम क्या करें कि जो डी एक्स की फॉर्म है, देखिए एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, मैं इसको ऐसे लिखता हूं y रेज टू पावर m प्लस एन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई बाई वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स. देखिए स्टूडेंट्स ओके, चलिए स्टूडेंट्स एनी डाउट. नाउ गामा एम गामा एन इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ओके ब्रैकेट क्लोज लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी वाई रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई डिवाइड बाय, देखिए फ्रेंड्स हियर बेस बेस सेम वन प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, ओके इंटू डी वाई इंटू डी एक्स. देखिए ओके एंड आफ्टर दिस स्टेप गामा एम गामा एन दिस इज इक्वल टू, चलिए फ्रेंड्स इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस वन, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, और ये dx एक्स यहाँ इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी. आई रिपीट अगेन, देखिए स्टूडेंट्स कि जीरो टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस वन, जो ये पावर नीचे हमारे पास डिनोमीटर 1 प्लस एक्स की पावर n, मैंने इसके साथ शिफ्ट कर दिया यहाँ पे x वेरिएबल 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n प्लस एन dx, और ये dx मैं यहाँ ले गया उठा करके x के फंक्शन के साथ, और जो ये प्रोडक्ट में है दूसरी लिमिट क्या हमारी जीरो टू इन्फिनिटी, और ये अब हमारे पास रह गया वाई रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस वाई इंटू डी वाई. देखिए ओके तो क्या बन गया ये, देखिए है ना क्या मजेदार क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स. ओके सो हेयर दिस इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, नेक्स्ट यू नो क्या जानते हैं स्टूडेंट्स आप कि इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी
है ना, x raised to power n minus 1, 1 plus x raised to power m plus n dx is equal to किसके इक्वल होता है, बीटा n कोमा m, ये ऊपर n है आपके पास, बीटा n कोमा m, एंड बाय द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी, इसका प्रूफ भी मैंने आपको करवाया था, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कर करके देख सकते हैं उसको, ओके, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ओके, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फ्रॉम बीटा फंक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन कोमा एम, ओके, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज होने के बाद कैसा जाएगा आपके पास, देयरफॉर इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एज टू पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स एज टू पावर एम प्लस एन डी एक्स इज इक्वल टू बीटा एम कोमा एन, देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये कैसा हो गया आपका बीटा एम कोमा एन, ओके, सो देयरफॉर गामा एम गामा एन इज इक्वल टू बीटा एम एन इन टू वाई की फॉर्म में ई रेस टू पावर एक्स वाई रेस टू पावर एम प्लस एन माइनस वन, स्टूडेंट्स ये कैसा हो गया आपके पास, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, यस गामा एम प्लस एन, देखिए स्टूडेंट्स ये इन दिस फॉर्म, ओके, ई रेस टू पावर माइनस एक्स ई रेस टू पावर, मैं अगर एक्स की फॉर्म में बात करता हूँ ई रेस टू पावर माइनस एक्स और एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन या ई रेस टू पावर माइनस वाई वाई रेस टू पावर एन माइनस वन, तो गामा एन तो एम प्लस एन आपका किसका कौन सा काम कर रहा है, एन का काम कर रहा है यहाँ पे, तो गामा एम प्लस एन, देखिए स्टूडेंट्स तो कैसा हो गया आपके पास ये, क्या देखिए ऐसे मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में, है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए प्रूफ, और आप एम आई एस के लेक्चर देख रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट्स सोने पे सुहागा हो जाता है, गामा एम गामा एन दिस इज इक्वल टू जी है क्या है, मैं यहाँ दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, गामा एम प्लस एन ये आपने गेट किया, ओके स्टूडेंट्स, तो गेट किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए दिस इंप्लाई डैट इसको एज इट इज रखो, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन, हेंस प्रूव्ड, ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ओके, एंड दिस रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ओके, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, ओके, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली, ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस रिलेशन को बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन को आप लाइक कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और रिलेशंस कुछ और प्रॉपर्टीज़ कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरह से आपके लिए लेकर के आता रहूँ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।